faces. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Now what? Never could toss. Look at my eyes. I'm on the rocks. Rise. तो फास्ट कार के एक अनदर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं TNT मोटरसाइकिल में। तो ये है रॉयल इनफील्ड की हिमालयन बाइक। तो ये है रॉयल इनफील्ड की हिमालय, जिसको मॉडिफाई किया गया है कैफे रेसर में। इसको कैफे रेसर इसलिए भी कहा जाता है, जो इसके जो रियर से लेकर फ्रंट तक का इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल वेथ है इसकी। वो आप देख ही सकते हो जो इक्वल वेथ है। इसमें 16x5 के इसमें टायर दिए गए हैं, बलून टायर बोलते हैं इसको। इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी मोटी है, ऑफ रोडिंग काफ़ी बढ़िया चलती है, डे रनिंग में काफ़ी सही रहती है। इसमें दो चीज़ ओरिजिनल है, एक तो इसकी जो ये पेट्रोल की जो इसमें टंकी दी गई ये, और इसका जो इंजन है 400cc का इसमें इंजन दिया गया है, यो जो कि ओरिजिनल है। और इसमें सब कस्टमाइज़ किया गया है, इसमें जो भी इसमें इंटीरियर जो आपको दिखता है यहाँ से लेके ये सब ये हैंडमेड इंटीरियर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर जो इसमें मॉडिफाई किया गया सब कुछ। तो अब यहाँ इसमें फ्रंट में देखिए, तो फ्रंट से दिखने में कुछ ऐसी है। ट्विन हेडलाइट्स दी गई इसमें LED। तो फ्रंट में भी सेम टायर दिए गए हैं 16x5 के, बलून टायर दिए गए हैं ये भी। डिस्क मिलते हैं फ्रंट में और रियर में। तो ये देखिए आपको डिस्क, यहाँ डिस्क दिए गए, काफ़ी बड़े डिस्क दिए गए हैं। ये देखिए इसके डिस्क और ये इसके अलॉय, जैसे इसमें ट्विन लाइट्स दी गई है LED के साथ, वो भी ये आप देख सकते हो। ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको ट्विन लाइट, जब ऑन हो जाएगी तो ये दूसरी के साथ जलने लग जाती है। फ्रंट का हिस्सा भी मॉडिफाई किया गया है, ये सब कुछ हैंडमेड मॉडिफाई किया गया है, ये आपको दिख रहा होगा। और जो इसका शोकर इसमें हार्ली डेविडसन के शोकर दिए गए हैं, आप समझ सकते हो कितने मतलब महंगी महंगी चीज़ इसमें लगी हुई है। और उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, इसकी जो इसका नाम दिया गया है, नाम खुद ही रखा है Glory 411। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो Glory 411 दी गई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं इसकी सीट्स पे। इसमें सिंगल सीट दी गई है, जो ओरिजिनल उसमें हिमालयन में आती है वो एक डुअल सीट के साथ आती है लंबी सी। तो इसमें सिंगल सीट दी गई है और उसके साथ यहाँ पे इसमें मॉडिफाई किया गया है। इसके कंफर्ट के हिसाब से सीट की कुशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, आरामदायक, लॉन्ग ड्राइव पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहीं इसका जो तो आता है इसके नेक्स्ट सीट पे, तो इसमें जो लंबी सीट आती है ओरिजिनल वाली हिमालयन में, इसका कटआउट किया गया है। इसकी वजह से जो इसकी लेंथ है बाइक की काफ़ी बड़ी लगती है और काफ़ी बड़ी स्पोर्टी और बढ़िया ख़तरनाक लगती है। तो उसके बाद इसके नीचे चलेंगे, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें भी कम किया गया है। ओरिजिनल वाली हिमालयन में थोड़ा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दिखता है, जो कि इसमें पहाड़ों पर चलने में इजी रहती है। वो आते हैं इसके मैप पे, तो ये हम क्लोज आएंगे थोड़ा सा, यहाँ दिखाते हैं। तो ये TNT वालों ने खुद इसको कस्टमाइज़ किया गया, इसको मॉडिफाई किया, इसको हैंडमेड बनाया है, क्योंकि जो इसका जो कस्टमर है उन्होंने खुद कहा है कि इसका मैप चाहिए उनको, जो भी जहाँ ये जाते हैं तो वहाँ ये अपनी प्लेस के मुताबिक यहाँ इसमें स्क्रू लगा देते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा 2-3 जगह पे, 4-5 जगह पे तो स्क्रू लगा देते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो यहाँ गए हैं, क्योंकि इनके मेमोरी रहती है। आपने ये बाइक देख ली मॉडिफाई, ये हैंडमेड मॉडिफाई की गई है और ये TNT मोटरसाइकिल में मॉडिफाई की गई है। तो जो इसका लिंक है और जो इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अभी जाके चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट में बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बता देना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कि वो लाल वाला बटन है उसको जरूर दबा देना। और I'm so good.
this, we fire starters, starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny, that work never toss. Look at my eyes, I'm on the rise.